दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, और ब्लॉगिंग है कुकिंग की। तो कुकिंग तो मैंने नहीं की है, बट मैं दिखा देती हूँ कि आज क्या कुकिंग में किया है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बारिश का टाइम चल रहा है, तो बारिश के टाइम में ऑब्वियसली बात है कुछ चटपटा करारा खाने का मन करता है। तो उसके लिए आज हमने बनाया है, जो हमने प्लान किया था कि हम आलू पूड़ी बनाएंगे, तो वही हमने आज बनाया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आलू तो हमारा रेडी है, पूड़ियाँ तल रही है जो कि मेरे डैडी ने बनाया है। उनका ऑफ था तो इसीलिए उन हमने प्लान किया, चलो बारिश का टाइम भी है तो साथ में पूड़ी आलू बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी पूड़ी है जो कि ऑलरेडी रेडी है। फुली फुली पूड़ियाँ हैं और देखने में बहुत ज़्यादा मस्त लग रही हैं। देख सकते हैं आप कितनी फुली हुई नरम पूड़ियाँ हैं ये। और आलू मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे डैडी हैं। आलू मैं आपको दिखा देती हूँ, आलू का कलर ये देखिए कितना लजीज लग रहा है देखने में। कलर देखिए फ्रेंड्स, प्यारा कलर है। तो इसको खाएंगे तो मस्त पेट भी भरेगा, नींद भी अच्छी आएगी और एंजॉयमेंट भी पूरी हो जाएगी। तो आज हमने इसीलिए ये सोचा था कि आज हम पूरी आलू खाएंगे। तो दोस्तों, बारिश का टाइम चल रहा है, तो आई होप आप लोग भी कुछ ऐसा ही एंजॉयमेंट कर रहे होंगे अपने घर पे, कुछ स्पेशल चीज़ें बना रहे होंगे। तो जैसे कि हमने पूरी आलू बनाने का ट्राई किया है, तो आप लोग भी अपने घर पे ऐसे बना सकते हैं तो और एंजॉय कर सकते हैं। तो अब देखते देखते जन्माष्टमी खत्म हो चुका है, तो अब धीरे धीरे सर्दियां भी आने लगी हैं, तो उस टाइम पे तो वैसे ही पकोड़े, आलू पूरी, छोले पूरी ये सब खाने का मन करता है। तो गर्मियों में इतना खाया नहीं जाता, लेकिन ऐसे टाइम में खाया जा सकता है, तो इसीलिए हमने प्लान किया था। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 दोस्तों, अभी तो हम और पूड़ियाँ बनाएंगे। बाय।